हालो नाइन्थ क्लास यूनिट वन में जो हमारी चीज़ें अभी रह गई हैं वो सिर्फ़ ये रह गई हैं कि हम आईटी का यूज़ हेल्थ केयर में किस तरह से कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या पब्लिक सर्विसेज हैं वो उसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं तो आपने कई तरह की आईटी टी एप्लीकेशन सीखी अभी प्रीवियस वीडियोज़ में वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पर हम आई का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए करते आए हैं तो आज हम पढ़ेंगे आईटी इन हेल्थ केयर हेल्थ केयर में आईटी का यूज़ हम किस तरह से करते हैं अब आईसीटी इज़ यूज्ड इन हेल्थ सेक्टर इन न्यूमरस वे आईसीटी जो है वो हेल्थ सेक्टर में कई तरह से हमें मदद करती है जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज होता है और वो पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन एंड मैनेज करता है और कई तरह की जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ रहती हैं उसको भी पूरा वो मेंटेन करने में हेल्प करता है अब जैसे हमारी ई की मशीनज़ हैं ई है अल्ट्रासाउंड है, है या सी स्कैन की सारी मशीनज हैं वो सारी हमारी कंप्यूटराइज्ड ही होती हैं तो वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट आर यूज्ड इन यूज्ड टू मॉनिटर पेशेंट्स कंडीशंस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरी सपोज़ किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है तो उस पेशेंट की सर्जरी करते हुए जो कई कई तरह के अलग अलग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे कम्प्यूटराइज होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस और जो डायग्नोस करते हैं हम पेशेंट का पूरा का पूरा कि उसको किस तरह की डिजीज़ है किस तरह से उसको ट्रीटमेंट देनी है वो सारे एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से होते हैं और एक्सपर्ट सिस्टम हमारे क्या हैं सारे कंप्यूटराइज होते हैं हेल्थ केयर मैनुफैक्चरिंग कंपनीज़ यूज कंप्यूटर्स टू एट द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्थ केयर की जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं कोई भी मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है जैसे दवाइयाँ हैं इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की कंपनीज़ हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं जिससे कि वो डायग्नोस्टिक टूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोडक्शन में वो उस को कंप्यूटर uh, की मदद लेते हैं कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज़ एंड डिस्पेंसरीज अगर हम लेबोरेटरीज़ की बात करें हम अपने इवन uh, डिस्पेंसरीज की बात करें तो हमारा कंप्यूटर एक इंटीग्रल पार्ट है मींस वो कंप्यूटर uh, के बिना जो है उनका पूरा का पूरा काम हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट नहीं हो सकता है uh, आज की डेट में तो दे आर दे आर यूज इन स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिजीज़ तो कंप्यूटर्स हमारे अलग अलग बीमारियों को स्कैन करने में और फिर उसको डायग्नोज किस तरह से करने में आपकी जो है वो मदद करती हैं तो so कंप्यूटर्स हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर में किस तरह से यूज़ करता है अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डायग्नोजिस में किस तरह से हमारा आई या कंप्यूटर यूज़ हो रहा है विद द एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वेरियस हाई टेक मशीन्स आर यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल डिजीजेज़ अब हमारी इतनी ज़्यादा जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि कई तरह की हाई टेक मशीन्स हमारी मार्केट में हैं जिससे कि हम क्रिटिकल डिजीजस की भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं इन मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं अभी हमने एक्सपर्ट सिस्टम की बात की थी ना तो एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करके हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं अर्ली स्टेजेस में ठीक है ये नहीं है कि बीमारी बहुत बढ़ गई है और लेटेस्ट स्टेजेस में हमें पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी है या कोई कैंसर है कुछ है अब हम अर्ली स्टेजेस में भी डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी शुरू हो चुकी है तो इसी तरह से फिर पेशेंट का उसी हिसाब से ये ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है तो कुछ मशीन यहाँ पर आपको दे रखी हैं आपके सिलेबस में पहली मशीन है जिसको हम कैट बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन कंप्यूटराइज एक्सीयल टोमोग्राफी मशीन ये इस मशीन का यूज़ करके हमें क्या होता है कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसकी वो थ्री डायमेंशनल इमेजेस जो है हमें प्रोवाइड करते हैं अब किसी भी पार्ट की अगर थ्री डायमेंशनल इमेज हमें मिल जाती है तो हम किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं तो उस बीमारी को डायग्नोज करने में हमें मदद मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के किस एरिया में जो है वो बीमारी uh, शुरू हो रही है ठीक है सेकेंड है एम आई एम आर आई जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन को हम शॉर्टकट में एम आर एम आर आई भी बोलते हैं एम आर आई मशीन्स जो हैं वो हमें हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के डिजिटल इम्प्रेशंस प्रोवाइड करती है मींस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सारा इम्प्रेशन मीन्स उसकी इमेजेस हमें देती हैं जिसकी मतलब इसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स ठीक है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स भी वहाँ पर होती है और रेडियो वेव्स भी होती है तभी कंप्यूटर जो है उन इमेज़ को आप तक पहुँचा पाता है ठीक है तो इन इमेज़ का यूज़ करके हम पर्टिकुलर जो बीमारी है उसको डिटेक्ट करने में मदद करती हैं ये और फिर उस पर्टिकुलर बीमारी का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है वो डिसाइड करने में फिर हेल्प करती हैं ठीक है थीके? तो ये दो मशीन्स हमने पढ़ी कैट और एम आर आई मशीन्स तीसरी हमारी कंप्यूटराइज मशीन जो हम हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा वो होती है ईसीजी मशीन्स ई मशीन्स का फुल फॉर्म रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और दिस मशीन इज़ यूज़ टू मॉनिटर द हार्ट बीट पेशेंट की हार्ट बीट कैसी है और रेस्ट पोजीशन पे किस तरह से है या वो अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी जो हार्ट बीट का रेट है वो क्या है ये सब पता लगाने के लिए हम ईसीजी मशीन का यूज़ करते हैं क्योंकि जब हार्ट पंप करता है ना ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूज़ होती हैं तो ये मशीन ना उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो एक ग्राफ की फॉर्म में आपको शो करती है जिससे आपको पता चल जाता है कि हार्ट बीट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन की कब ज़्यादा और कब कम हो रही है या नॉर्मल है कि नहीं है कहीं मिस तो नहीं कर रही है हार्ट बीट तो वो सब चीज ईसीजी मशीन के थ्रू पॉसिबल है फिर mm -hmm है फोर्थ मशीन के बारे में कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन डिस्प्लेस द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड इट डिस्प्लेस द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट अब हार्ट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो रही है वो सारा बताने के लिए मशीन आपको डिटेल में आपकी हेल्प करती है डिटेल में बताती है और हमारा किस तरह से ये पूरा का पूरा बताता हार्ट को पूरा जो भी उसकी सॉरी इसको मैं पढ़ लेती हूँ एक बारी

तो मशीन्स आपको बहुत मददगार साबित होती हैं कंप्यूटराइज मशीन इन हेल्थ केयर नेक्स्ट मशीन है आपकी ईईजी जैसे हमारी ईसीजी हमारे हार्ट बीट को रिकॉर्ड करती है इस तरह से हमारी ईईजी मशीन होती है जिसकी फुल फॉर्म रहती है इलेक्ट्रो एन इलेक्ट्रो एंड सेफ्लोग्राफी मशीन ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है ठीक है ई हमारी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करती है बट ई मशीन हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने में मदद करती है इसमें भी जो हमारे दिमाग के साथ उस मशीन के न, न, मशीन को मतलब अटैच कर दिया जाता है उसमें ना छोटे छोटे मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्स होते हैं जो हमारे हेड पर हमारे सिर पर अटैच कर दिए जाते हैं जिससे कि जित जितनी भी हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वो रिलीज़ करता है या इम्पल्सिस होती हैं उसको वो वो पर्टिकुलर मशीन जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है ठीक है आपने देखे होंगे ना कि वो ये देखो यहाँ फोटो जो दिखा रखी है ईईजी मशीन की अब आपको दिख रहा है ये येलो एक उन्होंने पहले कैप्सी पहना रखी है पर पेशेंट को फिर एक छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्स है उस मशीन के है ना तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्स वहाँ पर लगा दिए जाते हैं सिर पे और फिर जो भी हमारी ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होती हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है जिससे कि और फिर उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है और इससे पता चल जाता है हमारा कि आपका पेशेंट जो जब जाग रहा है तब किस तरह का दिमाग काम कर रहा है किस तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो रिलीज़ कर रहा है या जब कोई एक पर्टिकुलर इंसान कोई काम कर रहा है या जाग रहा है तो किस तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा दिमाग रिलीज़ कर रहा है ठीक है है, तो उससे कई तरह की चीजें डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं और फिर वो देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो ब्रेन से रिलेटेड सब चीजें वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है और अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अगली हमारे पास दो और मशीनें हैं जो मेनली यूज करते हैं डेली रूटीन में इवन हम लोग यूज करते हैं ब्लड शुगर देखने के लिए ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन जिसमें कि आपका ये मशीन एक छोटे से मतलब ड्रॉप ऑफ ब्लड से वो एनालाइज़ कर लेती है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल कितना है ग्लूकोज़ लेवल कितना है जैसे हम लोग बोलते हैं ना शुगर बढ़ गई है तो शुगर बढ़ना मींस कि एक जो नॉर्मल कंडीशन एक नॉर्मल क्वांटिटी रहती है शुगर की ब्लड में अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो मे बी आपके इंसुलिन में प्रॉब्लम है ठीक है तो ब्लड शुगर का लेवल कितना है नॉर्मल है कि कम है या ज़्यादा है तो वो आपको ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन डायग्नोज करके देती है फिर आप उस तरह से फिर अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट आता है बीपी मेजरिंग मशीन जिसको हम ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन भी बोलते हैं ये एक डिवाइस होती है जो आपको नीचे दिख रही है फिगर 1.14 में ये आपकी एक रिस्ट बैंड की तरह मशीन होती है जो कि आपके रिस्ट पे बांध दी जाती है और इससे एक पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं ठीक है और दोनों तरह से कर सकते हैं जब हम ब्रेस्ट पे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कितना है बीपी कितना है या अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी हैं तो हमारा बीपी कितना है ठीक है तो ये सब चीज़ें ये सारी मशीन हमारे को डिफरेंट हेल्थ केयर में डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं तो कितना ज़्यादा मतलब एरिया वास्ट एरिया है जहाँ पर हेल्थ केयर में मीन्स वी कॉन्ट इमेजिन अवर हेल्थ केयर सेक्टर इवन विदाउट द कंप्यूटर्स टूडे राइट नेक्स्ट है आईटी गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सर्विसेज में किस तरह से यूज़ होता है गवर्नमेंट यूजेज़ लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इट्स डेली ऑपरेशन एंड इज़ एक्टिवलीक्रेजिंग ई गवर्नेस प्रैक्टिसज हमारी जो गवर्नमेंट है वो लार्ज स्केल पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ कर रही हैं इस्तेमाल कर रही हैं अपनी डेली काम करने में डेली के रूटीन वर्क जो ऑपरेशन उसके रहते हैं उसको करने के लिए एंड इज़ एक्टिवली एनकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिस की जितने भी काम हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली हों गवर्नेंस के उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट uh, दे रही है कि आप जो भी काम करें वो ऑनलाइन करें इलेक्ट्रॉनिकली मींस कंप्यूटर्स की मदद से करें डिजिटल इंडिया जैसे है हमारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस आप डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सुना होगा ई e गवर्नेंस का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हमारे इस एग्जांपल हो सकते हैं मतलब ये हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं इसमें कि आई को गवर्नमेंट जो है कितना बढ़ावा दे रही है अपने आ, कामों को करने के लिए गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई एन जी ओ है एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं हमारी वो भी आई सी टी एप्लीकेशन का यूज़ करती हैं कि वो अपने आ, लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और साथ के साथ कई तरह की सर्विसेज वो लोगों तक पहुँचा पाएँ इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस क्या किसको बोलते हैं ई गवर्नेंस कि जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और साथ में जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो किस वो आईसीटी एप्लीकेशंस को कंप्यूटर्स को यूज़ करके लोगों तक अपनी बात को रखें कम्युनिकेट करें और साथ के साथ उन लोगों को तक अपनी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं सर्विसेज़ होती हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जाएँ तो आई का काफ़ी यूज़ कर रही है गवर्नमेंट अपने हर एक काम में और यहाँ पर बताया है कि कितनी तरह की जो है वो ऑफिशियल वेब पोर्टल्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जो कि ई गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारा सारी चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं तो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस गवर्नेस के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सारा इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है इलेक्ट्रॉनिक हो गया है हमारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है हमारे वोटर लिस्ट की जो प्रेपरेशन है या फिर कह लो पैन कार्ड की जो प्रेपरेशन है वो कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स के मदद से जो है बहुत इजी हो गई हैं इन सब चीज़ों को करना ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इजीली ऑनलाइन बन जाती हैं मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज़ आर अवेलेबल ऑनलाइन और कई तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज़ भी हमारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हम अब ऑनलाइन पे कर सकते हैं गवर्नमेंट जो है वो यूज़ कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपको पता है जैसे हम लोग अब इलेक्शन में जाते हैं इलेक्शन में वोटिंग करने जाते हैं ठीक है थीके? वोट करने जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिकली वोट करते हैं ना कि वो पहले की तरह वोटिंग स्लिप मिलती थी फिर बैलेट बॉक्स में हम उसको डालते थे अपना वोट डाल करके नहीं अब हम क्या करते हैं हमारे पास वोटिंग मशीनज़ होती हैं हमें सिर्फ पर सब सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है और हम वोट कर देते हैं तो अब सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है कमेंट जो है वो तकरीबन अपनी सर्विस सारी इलेक्ट्रॉनिकली लोगों तक पहुँचा रही है पीपल कैन एनरोल देम सेल्व इन इलेक्टोरल रोल थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल अब देखो गवर्नमेंट की एक हर एक स्टेट में ना एक इलेक्शन कमीशन पोर्टल होता है जहाँ पर जाकर उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी पर्सनस हैं रेजिडें Resident, रेजिडेंशियल्स uh, जो वहाँ के हैं वो अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं उस इलेक्ट्रल रोल में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं कंप्यूटर्स आर कॉमन प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी एंड टेंट टू मेक प्रीवियसली लेबरियस मैनुअल टास्क ऑफ डाटा एंट्री मच सिंपलर एंड क्विकर तो अब कंप्यूटर्स आप किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के किसी भी एरिया में चले जाओ तो एक कॉमन दिखेगा आपको हर जगह कंप्यूटर नजर आएगा कॉमन प्लेस नज़र आएगा ठीक है कॉमनली आपको दिखेगा और इस कंप्यूटर ने क्या किया है आपके जो मैनुअली काम होते थे डाटा एंट्री के उसको बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत जल्दी कर दिया है मीन सिंपलर ईजी एंड क्विकर उसको बना दिया है तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर यूनिट वन अगर आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चली है कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं बाकी जो इसके बेटा क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दूँगी ठीक है ओके बेटा